सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अपनी जिंदगी में कुछ पल सुकून के लिए भी निकालिए, इंसान की जरूरतें तो कभी पूरी नहीं होती। अगर आप संकट के समय धैर्य अपनाते हो तो आप आधी लड़ाई जीत जाते हो। ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर, बस एक व्यवहार और लगाव ही है जो कभी बूढ़े नहीं होते। आज का पंचांग 18 मई 2022 दिन बुधवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, रात्रि 11:36 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ज्येष्ठ नामक नक्षत्र सुबह 8:09 तक रहेगी। इसके उपरांत मूल नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:23 से 2:02 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर सुबह 8:09 तक रहेगी। इसके उपरांत धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। कुंभ राशि 18 मई 2022 दिन बुधवार, आप अभी कुछ नया सीखने के मूड में हैं। रचनात्मक और आध्यात्मिक विचार आपको आकर्षित कर रहे हैं। व्यवहारिक चिंताओं को नजरअंदाज ना करें। कार्य घर की मरम्मत आपसे समय की मांग कर सकती है। जुए या लॉटरी में पैसा बर्बाद ना करें। इस धन को बुरे दिनों के लिए बचाएं। आज के दिन दोस्तों उनके दोस्तों और उनके भी दोस्तों से संबंधित हैं, अपने प्रियजनों से मिल सकते हैं। आप आज ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे जिनकी संगति आपको अच्छी लगती है। अपनी किसी सहायता के बारे में बताएं और यह आपने कैसे हासिल की उसका तरीका भी साझा करें। सकारात्मकता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप छोटी सी बात के बारे में सोच कर परेशान हों। ऐसा सोचना प्राकृतिक है, लेकिन इससे आपकी घर और कार्यस्थल की शांति और कार्य की गति प्रभावित होगी। यह समय बड़े लक्ष्यों को सोचकर छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर देने का है। आज आपकी सफलता का कोई द्वार खुलने वाला है, जिसमें लाभ के साथ साथ उत्साह और ऊर्जा का भी प्रभाव रहेगा। घर में किसी मांगलिक प्रसंग अथवा शुभ आयोजन की प्लानिंग बनेगी। आपके बौद्धिक क्षमता के लोगों के बीच सराहना रहेगी। आपका व्यक्तित्व आकर्षित बन रहा है। जिस प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं उसी तरह के लाभ मिल सकते हैं। सकारात्मकता बनाए रखनी होगी। आत्मविश्वास के कारण ही लोग आप पर भरोसा करने लगेंगे। इस कारण जीवन को अपेक्षित शिक्षा में ले जा पाना संभव होगा। युवा वर्ग अपने काम के प्रति डेडिकेशन बढ़ाने की कोशिश करें। विवाह संबंधित निर्णय लेने से पहले जीवन में आ रहे बदलाव और अपनी जिम्मेदारियों के बारे में विचार जरूर करें। वजन अचानक से बढ़ सकता है, खान पान पर नियंत्रण बनाना होगा। ऑफिस में बोलने से अधिक सुनने व समझने पर बल दें। अपने उच्च अधिकारियों के साथ संबंध बिगड़ सकता है। पुत्र के अध्ययन संबंधित प्रतिकूलता रह सकती है। पुरानी चोट फिर से दर्द दे सकती है। घूमने के लिए विदेश जाने की योजना बन सकती है। काम के सिलसिले में मूल निवास स्थान से कहीं दूर रहते हैं तो लौट सकते हैं। बाजार में संभल कर काम करेंगे तो लाभ उठा सकते हैं। पैरों का दर्द परेशान कर सकता है। न्यूरोसर्जनों के लिए समय उपलब्धि कारण रह सकता है। महिला पुलिस अधिकारियों के लिए समय चुनौती भरा सिद्ध हो सकता है। ब्लड शुगर के मरीजों को खास ध्यान रखना होगा। भारी वाहनों के सौदे से संबंधित कारोबारी यात्रा लाभकारी रह सकती है। मैनेजमेंट के विद्यार्थियों को अधिक अनुकूलता रह सकती है। परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, ध्यान अधिक भी रह सकती है। सावधानियां, कामकाज व पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाना चुनौतीपूर्ण रहेगा। अपनी काबिलियत और कार्य क्षमता पर ही विश्वास रखें। अपरिचित लोगों पर भरोसा ना करें, मुसीबत में पड़ सकते हैं। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवार में सुख शांति पूर्ण माहौल रहेगा। प्रेम प्रसंग आपकी बदनामी का कारण बन सकते हैं।
इसीलिए शवधार रही। अब समय आ गया जब आप अपनी रचनात्मकता का प्रयोग करके प्यार के खेल का पूरा मजा लें, अपने जीवन साथी की प्रशंसा करें, सपना लोक में ले जाएं जिसकी कल्पना वो हमेशा से करता रहा है। भागदौड़ भरे इस दिन में आप अपनी सेहत का ध्यान रखना ना भूलें। आज उन लोगों से मिलिए जिनकी वजह से आपका जीवन गुलजार है। आप ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जिनके साथ आपको सहज महसूस होता है। आपका साथी आपका सबसे अच्छा दोस्त है जो आपको खुश और शांत रखता है। अपने साथी को अपनी पसंदीदा गतिविधियों में शामिल करें और उनके पसंदीदा कामों में उन्हें प्रोत्साहित भी करें। अच्छा, आपके दोस्त सहकर्मी और जितने भी लोगों को आप जानते हैं वे सब आपको इस बात के लिए अपनी अपनी राय देंगे कि आपकी लव लाइफ में कुछ रंग कैसे भरा जाए। अपने डेटिंग डेटाबेस को अपडेट करने के बारे में तो आप उनकी सलाह मान सकते हैं, लेकिन उनके बनाए हुए फ्लर्टिंग टिप्स अपनाने से बचें। आप प्यार ढूंढ रहे हैं इसलिए अपने आप को किसी भी क्षणिक आनंद के मोह में पड़ने से रोके रखें और प्यार पर ही फोकस करें। बात करते हैं करियर की। बेहतर संचार आपके लिए लाभ का मार्ग प्रशस्त करेगा और आपको इस मोड पर बुद्धिमानी से इस कौशल का उपयोग करना होगा। आपका व्यावसायिक विवेक आज शीर्ष स्तर पर रहेगा। आपको भविष्य में बिक्री और सहभागिता के आकलन के लिए कहा जा सकता है। आपकी मजबूत ज्ञान युक्त व विवेकपूर्ण क्षमता इसमें आपकी मदद करेगी। कोई बड़ी डील अथवा ऑर्डर मिलने की संभावना है, इसीलिए अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करें। राजकीय सेवारत लोगों के साथ व्यवहार करते समय सावधानी बरतें। नौकरी में आपके ऊपर कोई महत्वपूर्ण कार्यभार सौंपा जा सकता है। आज के दिन आपके लिए शुभ है। जहां एक और आपको धन लाभ होगा, वहीं मनोरंजन आपको फ्रेश व प्रसन्न रखेगा। अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाएं, अपने कल्पना के घोड़े को ऐसे ही दौड़ाते रहें व बुद्धिमत्ता से काम करें। दुनिया आपके मुट्ठी में होगी। याद रखें, भीड़ से कुछ अलग करने वाला ही अपनी पहचान बनाता है। आपका आज के दिन दोस्तों को समर्पित यानी नए दोस्तों को बनाना और पुराने को सहेज कर रखना। आज उन लोगों से मिलिए जो आपके प्रिय हैं और जिनका आपके जीवन में विशेष महत्व है। पुराने और करीबी दोस्तों की कंपनी इन दिनों के दौरान आराम देगी। दोस्तों की नजरों से आप कई अनुभवों को महसूस कर सकते हैं। कोई खास प्रिय पात्र भी मिल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरों के लिए समय अच्छा रह सकता है। विवाद में अपना पक्ष पूरी मजबूती के साथ रखें, उत्साह बढ़ा चढ़ा रहेगा। बात करते हैं सेहत की। आपकी सेहत बहुत अच्छी है, लेकिन आपको इसे सेहतमंद अवस्था का मजा लेते रहने के लिए कुछ आधारभूत सावधानियां तो रखनी ही होगी। समय पर कदम उठा लेने से आप बीमारियों से बच सकते हैं। अब अपने स्वास्थ्य कार्यक्रम को गंभीरता से लेने का समय है और उन सब अच्छे व्यवसायों को शुरू करने का भी जिनके बारे में आप हमेशा से सोचते रहे हैं, लेकिन कभी उन्हें पूरे करने का उत्साह नहीं जुटा पाए हैं। अपने सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय, गणेश भगवान जी को दूर्वा चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।